गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स के अंदर जो हमने कल प्रॉपर्टीज की थी, फॉर्मूले लर्न किए थे, उसके व्याप्यास क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर मेरे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें कल अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कितनी टर्म्स आ रही है इसके अंदर, तो एक कितने ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है, एक तो हिंदी टर्म आ रही है और एक इंग्लिश आ रहा है, दो ही टर्म यूज में हो रही है। तो जैसे हमने कल फॉर्मूला लर्न किया था ए और बी में, और ए बी सी में भी लर्न किया था, तो यहां अगर हम माने तो कितने बन रहे हैं, एच और इंग्लिश। तो हिंदी को यहां पर हम डिनोट कर देते हैं एच से, और इंग्लिश को कर देते हैं ई से। अब इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, 800 लोगों का जो ग्रुप है, तो ये क्या हो गया जिसमें क्या आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कि किसमें हो गए, 800 पीपल में से 550 तो हिंदी बोल रहे हैं और 450 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एच यूनियन ई, ये क्या आ गया हमारे पास, मतलब जो कि हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, वो कितना हो गया, हिंदी और इंग्लिश के दोनों को मिला के कितना हो गया, 800। अब ओनली हिंदी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हिंदी बोल रहे हैं वो कितने हो गए, 550, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए, इंग्लिश के लिए कितने हो गए हमारे पास, 450। अब हमको चाहिए क्या, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड कंडीशन आ गई, तो क्या ले लेते हैं हम इसके अंदर, इंटरसेक्शन, मतलब कि हमको वो चाहिए जो हिंदी बोल सकते हैं एंड इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एच यूनियन ई के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन रहा है, ये चार टर्म हमारे पास है, तो हमने कल कौन सा फॉर्मूला लर्न किया था, एन ए यूनियन बी is equal to na plus nb minus of n a intersection b, ये लर्न किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग h union e के अकॉर्डिंग बन जाएगा, n h union e, अगर a की जगह h लिख दें, b की जगह e लिख दें, तो क्या बन गया, n h n e minus n h intersection e। तो ns तो हमारे पास, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ns तो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, वो कितना है हमारे पास, 550, प्लस इंग्लिश कितने हो गए, 450, और माइनस कर देंगे h इंटरसेक्शन e, जो कि हमको पता ही नहीं है, ये हमको निकालना है, और ये किसके इक्विवेलेंट था, ये इक्विवेलेंट था h यूनियन e के, और h यूनियन e हमको पता है कितना, 800 पता है। तो कैसे निकल रहा है, अब ये चार टर्म थी तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, मतलब के H इंटरसेक्शन E, ये हमको फाइंड आउट करना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो वो निकाल रहे कैसे हैं, ये टोटल कितना हो गया, 6,000, ये हो गया हमारे पास 1000, और 800 तो शिफ्ट हो गया, तो H इंटरसेक्शन E ये कितना आ गया हमारे पास, 200। ये कैलकुलेट किया हमने, क्या था वापस देख लेते हैं कि ग्रुप के अंदर कितने पीपल है, 800, जिसमें वो क्या हो गया, टोटल हो गया एच यूनियन ई के अकॉर्डिंग, एच यूनियन ई कैसे लिया कि उस ग्रुप में से 550 तो हिंदी बोल रहे हैं और 450 क्या बोल रहे हैं, स्पीक इंग्लिश, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो एच एंड ई की लिए बात हो रही है, हमको फाइंड आउट करना है। तो एच यूनियन ई हमारे पास है 800, एच हमारे पास है 550, और ई हमारे पास हो गया कितना, 450। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया, जो कि हमने कल लर्न किया था, कल देखे थे कि फॉर्मूले कैसे करेंगे, तो इनमें जब पुट किया तो H इंटरसेक्शन E की वैल्यू आ गई हमारे पास, कि जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हिंदी और इंग्लिश बोलेंगे। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट और 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल
ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. मतलब इसमें क्या बता रखा है कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. मतलब हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलेगा खेलेगा, हो सकता है दो गेम भी खेल ले, लेकिन एक गेम तो वो खेलेगा ही. तो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. यहां फिर एंड कंडीशन आ गई, तो यहां पर भी हमने एंड कंडीशन में क्या लिया था, इंटरसेक्शन. यहां पर भी एंड कंडीशन में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन. तो इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में बैठे हुए हैं, एक तो क्रिकेट और एक फुटबॉल. तो यही क्रिकेट को हम सी से डिनोट करते हैं और फुटबॉल को एफ से कर देते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्रिकेट लिख देते हैं सी यूनियन एफ, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले दोनों कितने हो गए, ये तो हो गए 35. और क्रिकेट लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं वो कितने हैं, 24. और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं वो कितने हैं, 16. अब हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब एंड सी इंटरसेक्शन एफ हमको फाइंड आउट करना है. तो वापस यही फॉर्मूला लेते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं, एन सी यूनियन एफ क्रिकेट प्लस फुटबॉल माइनस एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. ये हमने फॉर्मूला यूज किया, तो ये टोटल तो कितना था 35, क्रिकेट कितने थे 24, प्लस फुटबॉल वाले कितने थे 16, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ हमको फाइंड आउट करना था. तो कितना हो जाएगा ये 30 is 40, 40 में से ये 35 जा रहे हैं, हमारे पास कितने हो गए 5 आ गए. तो ये हो गया एन सी इंटरसेक्शन एफ किसके इक्विवेलेंट हो गया 5 के, कि जो वो स्टूडेंट जो कि क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे, क्योंकि एंड कंडीशन जब आ गई तो हम इंटरसेक्शन यूज दे रहे हैं, और कंडीशन आ रही है तो हम क्या ले रहे हैं, प्लस यूज में ले रहे हैं, मतलब के यूनियन. तो इस टाइप से हमने इस पे ए यूनियन बी वाले पे फॉर्मूले यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. आगे और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. तो ये दोनों बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो एंड कंडीशन से क्या आ रहा है, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. वापस एटलीस्ट कंडीशन दे दी है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि हर कोई कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दो भी बोल रहे हैं, मतलब हर कोई एक लैंग्वेज तो बोल ही रहा है, बोल सकते हैं. हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, हमको क्या निकालना है कि हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है एंड नॉट हिंदी. तो इस पे आपने क्या देखा था, आपने जो तो इस पे क्या देखा था आपने कि ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी. तो ए है बट नॉट बी, एक आपने टर्म लर्न की थी ए बट नॉट बी, तो उसका मतलब क्या था, तो इसमें वही फॉर्मूला यूज लेना है. और एक निकालना है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो उसकी अपन को निकालना है. तो इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, तो मतलब 50 पीपल में वही दो टर्म है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश. तो इन दो टर्म को हम एच और ई में ले लेते हैं, तो एच यूनियन ई के अकॉर्डिंग कितने हो गए 50 है. और ये कंडीशन क्या है, 35 स्पीक हिंदी, ये क्या दे दिया 35 स्पीक हिंदी, तो ये 35 सिर्फ हिंदी के लिए आ गया. अब ये आ रहा है 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों बोल रहे हैं स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो कंडीशन क्या आ रही है इसमें, हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये कितना हो जाएगा 25. नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी. तो हमने एक टर्म लर्न की थी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम क्या बोल रहे थे ए बट नॉट बी, यही बोल रहे थे
जबकि हम क्या लिख रहे थे इसको, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे थे। ए की टर्म को देखो इसी टर्म क्या बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस हो गया, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, मतलब कि ए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ए बट नॉट बी, और क्या कर सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग हमको जब ये निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्म निकालनी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये कंडीशन हमको निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो वो कैसे आ रहा है, एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, क्योंकि क्या था ए में से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया था। वापस वेन डायग्राम में देख लीजिए कि ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, मेरे को सिर्फ ए चाहिए, तो ए पूरा था, तो ए में से ये वाला पार्ट निकाल दूं क्योंकि ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो बी निकाल दूं तो कैसे निकलेगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो रहा है, तो इस टाइप से हमने कर दिया, तो ये ई में से ई इंटरसेक्शन एच माइनस हो जाएगा, तो ई हमारे पास है ही नहीं यहां पर, और ई इंटरसेक्शन एच तो है 25, तो पहले ई निकालते हैं। ई कैसे निकल रहा है कि हमारे पास ये तीन कंडीशन दे रखी है, एच यूनियन ई भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, एच इंटरसेक्शन ई भी दे रखा है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम कि एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच, जो भी हमने किया था, एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हो गया। एच यूनियन ई कितना है 50, एच कितना है 35, प्लस ई तो हमको निकालना ही है, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई वो कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 25, तो ई की वैल्यू निकल सकती है 35 माइनस 25 10, 10 इधर शिफ्ट हुआ तो कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश वो कितना हो गया 40, तो एन ई की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो ये वाला आपका निकल सकता है, जो कि टर्म बोलिए ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, तो कैसे निकाल रहे हैं, इंग्लिश कितना है अपने पास 40 माइनस ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच कितना था, या एच इंटरसेक्शन ई, इसको हम ई इंटरसेक्शन एच भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ए और बी में कॉमन पार्ट या बी और ए में कॉमन पार्ट, वो कितना आ गया 25, तो टोटल कितना आ रहा है 15। तो क्या आया, ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म हम यूज में लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो रिजल्ट जो हमने किए थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले रिजल्ट्स, तो सेट्स के अंदर अगर वो हमें लर्न नहीं हुए तो इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि सेट्स में हमारे पास सेट्स में एलिमेंट्स गिवन होते थे, जैसे ए सेट है हमारे पास, बी सेट है, इस टाइप से, तो वो हम कर लेते थे इजिली, लेकिन इनको प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन लेते हैं इसमें और क्लियर के लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर हमारा, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स Exposed to chemical C1 or chemical C2. अब इसमें क्या देखा है कि 200 individual skin disorder है और 120 क्या है chemical C1 और 50 क्या है chemical C2 को follow कर रहे हैं, तो इसमें 200 individual के अकॉर्डिंग हम क्या मान रहे हैं, इसको universal मान लेते हैं कि universal कितना हो गया हमारे पास 200 एक survey के अकॉर्डिंग, और 120 हैज बीन केमिकल C1 और केमिकल C1 को हम यहां लिख लेते हैं, केमिकल C1 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A से मान लेते हैं, A से डिनोट कर लेते हैं, वो कितना है 120। इसी टाइप से केमिकल C2 की जब बात कर रहे हैं तो वो कितना हो जाता है, उसको B मान लेते हैं और वो कितना है 50, और
क्या हो गया इसमें 32 बोथ केमिकल सी वन एंड सी टू, एंड कंडीशन जब भी आ रही है तो हम क्या ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब सी वन को हमने ए से डिनोट कर दिया और सी टू को बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सी वन एंड सी टू वो कितना है 30। अब निकालना क्या है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल सी वन और केमिकल सी टू, क्योंकि किसे एक्सपोज हो रहे हैं, क्या है एक्सपोज सी वन और सी टू, और कंडीशन जब भी आ रही है तो क्या रहेगा यूनियन, तो सी वन हमने ए माना है और सी टू बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी की बात हो रही है जो कि हमें फॉर्मूला पता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग ए कितना है हमारे पास 120 प्लस बी कितना है 50 माइनस का 30, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30, तो कितना हो गया 120 प्लस 50 170, 170 माइनस 30 कितना हो गया 140। ये तो हमारे पास क्या आ गया ए यूनियन बी मतलब केमिकल सी वन और केमिकल सी टू और मतलब यूनियन। इसमें क्या बोला है सेकेंड पॉइंट, केमिकल सी वन बट नॉट केमिकल सी टू, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला। सेकेंड पॉइंट क्या है, केमिकल सी वन बट नॉट केमिकल सी टू मतलब सी वन होना चाहिए लेकिन सी टू नहीं होना चाहिए, तो सी वन हमने ए माना है और सी टू बी माना है, तो इसका मतलब क्या हो गया वो एलिमेंट जो कि ए होना चाहिए बट नॉट बी, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे करते हैं एन ए में से क्या माइनस करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं। ये हम सेकंड पॉइंट निकाल रहे हैं, ए बट नॉट बी मतलब ए सी वन लिया है और सी टू बी लिया है, तो ए बट नॉट बी ए हो सकता है लेकिन बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, जो हमने कल प्रॉपर्टीज में सीखा था कि कौन सी फॉर्म कैसे डिनोट कर रहे हैं। तो ए कितना हमारे पास 120 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 30, तो ये कितना आ गया 90 आ गया हमारे पास, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि ए बट नॉट बी। थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या बोला है, केमिकल सी टू बट नॉट केमिकल सी वन मतलब बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सी वन सी टू को ए बी में कर दिया, तो जैसे अब ये किया था ऐसे अब ये कर लेते हैं कि बी बट नॉट ए, तो सेम जैसे इसमें फॉर्म लगाया था एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं, तो बी कितना है हमारे पास, बी तो है 50 माइनस 30 कर देते हैं तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो इस टाइप से आपको वर्ड प्रॉब्लम को देखना है, क्या यूनियन में दे रखा है, क्या यूनिवर्सल है, क्या इंटरसेक्शन दे रखा है, क्या सेपरेट में ए और बी ये कंडीशन दे रखी है और क्या पूछा जा रहा है, सब जो हमने लास्ट कल क्लास में प्रॉपर्टीज की थी उन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें था बस दे आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं ए यूनियन बी मान लेते हैं जबकि ये एज ए सर्वे कंडक्ट किया गया है, तो 200 था, तो अगर हम ऐसे देखते तो कितना था, अब ये ए यूनियन बी तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर पाए थे, कितना 120 प्लस 50 कितना हो गया था 120 प्लस 50 कितना आ रहा था 170 और 170 माइनस 30 हमने कर दिया था तो 140 आ गया था, तो ए यूनियन बी तो 140 है, तो ये क्या दे रखा है, तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल फॉर्म हो गई यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जिसमें सब काउंट हो गए, एक सर्वे हुआ उसके अंदर से ये कंडीशन ली जा रही है। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P1 एंड 1450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P2, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया
कितने एवरेस्ट में सर्वे में कितने लोगों का सर्वे किया गया, 2000 कंज्यूमर्स का। तो ये सर्वे क्या आ गया हमारे पास, यूनिवर्सल आ गया, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल हो गया। उस सर्वे में क्या पूछा गया तो पता लगा 1720 जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या लाइक करते हैं, प्रोडक्ट P1। तो P1 प्रोडक्ट को हम एसी डॉट कर दें, यहां ले लेते हैं कि प्रोडक्ट P1 जो है इसको हम एसी डॉट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ए बी में क्यों ले रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले लर्न किए ए बी में किए हैं। आप डायरेक्ट इसको P1 भी लिख सकते हो, NP1 भी लिख सकते हो। तो ए से डिनोट किए तो 1720 हो गए, ये तो हमारे पास कितने आ गए 1720। एंड 1450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट P2, तो प्रोडक्ट P2 के लिए कितना हो जाएगा, इसको हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1450। तो अब इसमें क्या कंडीशन आ रही है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक प्रोडक्ट द बोथ द प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स वो कंज्यूमर चाहिए हमको जिसको प्रोडक्ट P1 एंड P2 दोनों पसंद है। तो मतलब दोनों ही एंड कंडीशन जब आ रही है बोथ द प्रोडक्ट्स P1 एंड P2, तो मतलब हमसे क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है हमसे, और क्या पूछा है, लीस्ट नंबर, कम से कम, कम से कम कितना होगा, उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं लेकिन कम से कम, जैसे कि एटलीस्ट 10 हो गया। तो 10 का मतलब क्या हो गया, सबसे कम जो आ गया वो सबसे लीस्ट जो आ गया वो क्या आ गया 10, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे लीस्ट क्या हुई 10, अगर बोल दिया जाए लीस्ट नंबर मतलब एटलीस्ट 20 बोल दिया, तो एटलीस्ट 20 का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम 20, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं 21, 22, 23 एंड सो ऑन। तो लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमें ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म है हमारे पास, तो जब ये है तो हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास इसमें निकाल सकते हैं, अब यूनिवर्सल दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए यूनियन बी नहीं है हमारे पास, और निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी, आपको फॉर्मूला पता है इसका, एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये किया है तो कितना आ जाएगा, ए कितना है हमारे पास 1720, बी हमारे पास 1450 माइनस का ए इंटरसेक्शन बी जो कि नहीं हमारे पास निकालना है, और ना ही हमारे पास ए यूनियन बी है, ये भी नहीं है, तब क्या कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 071 और ये हो गया 3, 3170 हो गया माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक रिलेशन निकल के आया, ना तो हमारे पास ए यूनियन बी पता है और ना ही ए इंटरसेक्शन बी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू हमको निकालनी भी है। तो क्या पता है, अब यूनिवर्सल क्या काम आ रहा है यहां पर, कैसे यूज में ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो आपने सेट्स में देखा था कि ए यूनियन बी सबसेट्स होगा किसका, यूनिवर्सल का। कैसे, आपने देखा था कि एक बॉक्स है, इसमें ए सेट भी है, इसमें बी सेट भी है, हो सकता है सी सेट भी हो, तो ए और बी अगर मान लेते हैं और ये यूनिवर्सल है, तो ए यूनियन बी तो ये हो गया, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल का, मतलब ए और बी किसमें है, यूनिवर्सल के अंदर आ ही रहे हैं, यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल के अंदर ए यूनियन बी तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी किससे लेस देन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे या उससे कम होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल तो क्या होता है, एक बॉक्स हो गया जिसमें यूनिवर्स में सब चीज आ जाती है। जैसे आपकी क्लास और स्कूल की बात की जाए तो आपकी क्लास क्या है, आपकी स्कूल क्या है, यूनिवर्सल हो गई, तो आपकी स्कूल के अंदर आपकी क्लास तो आ ही रही है प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस भी आ रही है, तो आपकी क्लास क्या हो गई, सबसेट हो गई आपकी स्कूल के। तो ए यूनियन बी हमने एक रिलेशन निकाला था इसके अकॉर्डिंग, और यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग है हमारे पास क्या 2000, तो ए यूनियन बी की जगह हम ये लिख देते हैं 3170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज लेस देन इक्वल टू क्या है 2000, ये हमने लिख दिया 2000। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को उधर ले जाते हैं और 3170 माइनस का 2000 इज लेस देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया, ये 2000 जब हमारे चले गए तो 1170 एंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो हमको निकालनी थी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1170 या उससे ज्यादा। मतलब हम ये लिखते हैं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एन की वैल्यू क्या आ रही है 4 या 4 से ज्यादा, लेकिन लीस्ट वैल्यू क्या हुई इसकी, सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई 4, और उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हुई 4। तो यहां से हमको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना था जो कि क्या आ रहा है 1170, और हमने इक्वल टू फॉर्म भी लगाया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लेते हुए चल रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1170 एंड मोर देन, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1170, जो कि लीस्ट नंबर पूछा गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए थे जो कि बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1170। इस टाइप से तो आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या हम निकाल सकते हैं और किस, जैसे यूनिवर्सल का कैसे यूज में लिया हमने, तो लीस्ट जब कंडीशन आ गई तो हमने ये इनइक्वालिटीज को यूज में किया और यूनिवर्सल को भी यूज में लिया। तो ये पेयरिंग भी आपको ध्यान में रखनी थी जो कि क्या था ए यूनियन बी क्या था सबसेट था यूनिवर्सल का। और क्वेश्चन करते हैं अपन इसके अंदर जो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसके अंदर क्या है कि दे आर 40 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमको वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो या तो फिजिक्स क्लास में हो या फिर केमिस्ट्री क्लास में हो इन द फॉलोइंग केसेस। अब फर्स्ट कंडीशन क्या ले रखी हमने इसमें, कब निकालना है ये हमको कि कंडीशन दो है, या तो द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, मतलब दोनों क्लासेस जो हो रही है वो सेम टाइम पे लग रही है, जैसे कि 12 बजे फी फिजिक्स क्लास है और 12 बजे ही केमिस्ट्री क्लास है, एक कंडीशन तो इस टाइप से आ गई। एक कंडीशन है द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है इसमें कि दोनों क्लास जो है वो अलग अलग टाइम पे लग रही है, तो इनसे हम कैसे निकाल पा रहे हैं, तो वापस देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास दो ही सेगमेंट दे रखे हैं, एक तो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, तो ए बी की जगह आप चाहे कुछ भी ले लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास को हम सी सी डिनोट कर लेते हैं, वो कितने हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, और फिजिक्स क्लास के अंदर आपने देखे हैं कितने हैं यहां पर 60 स्टूडेंट्स हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो और आ गया कंडीशन, तो और के अंदर क्या करते हैं आप, और के अंदर यूनियन करते हैं, तो केमिस्ट्री यूनियन फिजिक्स ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है एन सी प्लस एन पी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन पी। तो एन सी आपके पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री के आपके पास है, फिजिक्स के आपके पास है, लेकिन कॉमन नहीं है, तो दोनों केस में आपको ये निकालना है। तो पहले जब फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं, निकालना तो हमको यही है, यही फाइंड आउट करना है, लेकिन जब फर्स्ट केस ले रहे हैं तो टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, जब सेम टाइम पे लग रही है, तो कोई स्टूडेंट अगर वो फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है तो वो एक ही क्लास में बैठ पाएगा, या तो फिजिक्स क्लास में बैठ पाएगा या फिर केमिस्ट्री क्लास में बैठ पाएगा, दोनों एक साथ तो ले नहीं सकता जब दोनों सेम टाइम पे लग रही है, तो उसमें कॉमन स्टूडेंट कहां आया, आएगा ही नहीं, तो मतलब उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट तो रहा ही नहीं, कि अब वो या तो फिजिक्स क्लास में बैठेगा या फिर केमिस्ट्री में बैठेगा, किसी एक में ही बैठ पाएगा, तो वो एक का ही स्टूडेंट हो गया, तो उस केस में क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया जीरो हो गया। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब केमिस्ट्री इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो अब इसमें जब हम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन सी यूनियन पी पी इज इक्वल टू एन सी, एन सी कितना था 40 प्लस फिजिक्स में कितने थे 60 माइनस जीरो, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो कॉमन स्टूडेंट है वो तो होंगे ही नहीं,
कॉमन कहां से रहे, ठीक है, क्योंकि वो क्लास ही सेम टाइम पे लग रही है। तो टोटल कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब इसमें क्या लग रहा है कि टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर्स, डिफरेंट आवर में लग रही है। तो जो बच्चे कॉमन है वो फिजिक्स क्लास लेने के बाद केमिस्ट्री ले सकते हैं, या पहले केमिस्ट्री क्लास ले रही है तो उसके बाद फिजिक्स क्लास ले सकते हैं। तो इसमें क्या बता रखा है, और बता भी रखा है, 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब इनमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट है उनके पास, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री में दोनों क्लासेस ले रहे हैं। तो हमको पता है कि कॉमन दो बार ऐड नहीं करते, एक ही बार ऐड करते हैं, इसलिए वो एक पार्ट हट जाता है जो हमने कल डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला क्या बना रहा था। तो सेकंड में क्या हो जाएगा कि सी इंटरसेक्शन पी जो दे रखा है वो कितना हो गया 20, क्योंकि इसने बता रखा है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एनरोल्ड है बोथ द सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में भी, जिनको फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तब तो हमारे पास क्या आ गया, हमको निकालना तो यही था सी यूनियन पी, तो क्या आ जाएगा एन सी, तो हमारे पास कितना है 40 और ये 60, तो 40 प्लस 60 माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट है 20 स्टूडेंट जो कि फिजिक्स में काउंट हो रहे हैं और केमिस्ट्री में काउंट हो रहे हैं, तो उनको दो बार तो काउंट करेंगे नहीं, हम एक ही बार काउंट करेंगे, इसलिए कॉमन पार्ट माइनस करते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80। क्लियर हुआ आपको ये वाला क्वेश्चन कि किस टाइप से हमने, कि जब एक ही टाइम पे हो रहा है तो उसका मतलब क्या आ रहा है। मेन चीज यही थी कि मीट एट सेम आवर, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ गया, इसमें जीरो आ गया।